हेलो क्लास 11, हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप अपने डाउट सारे भेज सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेक्चर 1, 2 और 3 में जितने भी आपको डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर दें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ही डाउट है तो पूरा क्वेश्चन ही सेंड कर दें, और अगर किसी क्वेश्चन के स्टेप में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जिस स्टेप पे डाउट है उसे मुझे मार्क कर दें, व्हाट्सएप कर दें। एक बच्चा मैक्सिमम 5 डाउट ही भेज सकता है, इससे ज्यादा मत भेजिएगा। और डाउट उन्हीं चीजों का भेजिएगा जो हमने आपको चीजें सिखा दी हैं, ऐसी कोई चीज मत भेजिएगा डाउट में जो आपने भी सीखी ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ द सेट। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे और ये इस चैप्टर का काफी बड़ा पार्ट है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ यहाँ सेट लिखे हुए, ये मैंने यूनिवर्सल लिखा है जो 1 से लेकर 10 तक कंटेन करता है, ए लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, सी क्या है 7, 8, 9, 10 और डी है 4, 5, 6, 7, 8। अब इन सभी को मैं एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाता जाऊंगा और परफेक्टली आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यूनियन क्या होता है। तो यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं, यूनियन डिनोट करते हैं जैसे कि ए यूनियन बी, या बी यूनियन सी, या सी यूनियन डी, या ए यूनियन डी, कुछ भी लिख सकते हैं। यूनियन को इस तरह के यू से डिनोट करते हैं। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, जिन दो सेट के बीच में आपको यूनियन निकालना है पहले उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिख लीजिए। तो चलिए अब एलिमेंट्स लिखने हैं तो कर्ली ब्रैकेट से ही शुरू करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से ही बंद करेंगे। तो चलिए ए और बी के पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखिए। तो ये देखिए ए और बी है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन है, 4 हाँ है, 5 हाँ है, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स लिख लें। सेट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम 2 सेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ए और बी में सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स बिल्कुल लिख लिए। अब कॉमन एलिमेंट चुनने के बाद जितने एलिमेंट बच जाए ए में सारे लिख दीजिए, जितने एलिमेंट बच जाए बी में सारे लिख दीजिए। तो आप ये समझ सकते हो कि आपने ए यूनियन बी निकाल दिया। चलिए और बताता हूं, सी यूनियन डी की बात करते हैं। तो सी यूनियन डी का मतलब है, यूनियन का मतलब है पहले सी और डी के कॉमन एलिमेंट। तो चलिए सी और डी में कॉमन कौन है, देखिए 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, पहले वही लिखे जाते हैं, लिख दिए। अब जितने बच गए हैं सी में वो भी लिख दीजिए, जितने बच गए डी में वो भी लिख दीजिए। तो देखिए सी में कौन बचा, 9 और 10, तो ये लीजिए 9 और 10, और डी में कौन बचा, 4, 5, 6, तो ये लीजिए 4, 5 और 6। और ध्यान रखिएगा ऑर्डर का कोई लॉजिक नहीं है कि छोटा नंबर पहले आएगा कि बड़ा नंबर बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर को कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सी यूनियन डी। अब बताता हूं इंटरसेक्शन, तो यही ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू बनाते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जिन दो सेट के बीच में आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स इज योर आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स निकाल लो, तो ए और बी में कॉमन कौन था, सिर्फ 4 और 5, बस यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए ऐसी मान लीजिए सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहा होता तो सी और डी में कॉमन कौन है, सी और डी में 7 और 8 कॉमन है। तो चलिए और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन डी, तो देखो ए और डी में इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन कौन है, 4 है हाँ जी है, 5 है हाँ है, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर भी 4 और 5 कॉमन है, ठीक है? इंटरसेक्शन क्लियर हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट, तो जब भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दूंगा तो आपकी डिमांड होगी कि मुझे एक यूनिवर्सल सेट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट बिना यूनिवर्सल सेट के नहीं निकल सकता, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ऊपर हल्का सा डैश लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 10 तक का, उसमें से ए माइनस कर दीजिए, मतलब जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगकर आया है उसके लिए यूनिवर्सल में से वही सेट माइनस हो जाएगा, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब यूनिवर्सल में से ए माइनस। तो 1, 2, 3, 4, 5 माइनस कर दीजिए, तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा 6, 7, 8, 9 और 10। और बताता हूं, मैंने आपसे कहा मान लीजिए सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी, तो यूनिवर्सल सेट में से सी माइनस कर दीजिए, तो 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये माइनस हो गया, तो क्या बचा, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा है यूनिवर्सल सेट में से वो पर्टिकुलर सेट ही माइनस हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, मान लीजिए एक कैसे आया क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट आया, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो व्हाट इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, वो कितना था आंसर मेरा,
6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मतलब अब ये एक पूरा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आंसर क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगकर आया है। तो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 6, 7, 8, 9, 10, यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। देखना वापस क्या सेट ए ही आ गया आपके पास। हाँ बिल्कुल, सेट ए ही आ गया मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट है तो वापस आपके पास वही सेट आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का लॉ है, एक प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट टू अ कॉम्प्लीमेंट गिव्स यू द सेम सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट के बारे में जानते हैं। अब डिसजॉइंट सेट सीधा होता है, अगर आपके पास दो सेट के बीच का आंसर फाई आया, फाई का मतलब होता है एक भी आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आया तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा वरना नहीं। और ले लीजिए जैसे सी इंटरसेक्शन डी, अब आपको लगता है सी इंटरसेक्शन डी में, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, सी इंटरसेक्शन डी में एक भी कॉमन नहीं आ रहा, सी और डी यहां तो आ रहे हैं, तो सॉरी ये तो डिसजॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सी इंटरसेक्शन डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है, फाई। एक्चुअल में मैथमेटिकली जो चीज जीरो होती है सेट्स की लैंग्वेज में उसे फाई लिखते हैं। ठीक है, तो फाई का ये सिंबल भी है। तो जब आपका आंसर फाई आ जाए, कब, जब दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, तो व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू फाई देन इट इज कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट, तो उसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है, चलिए माने मैंने ए माइनस बी निकालना है, तो व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी का सिंपल सा मतलब है आपका आंसर ए है पूरा सेट लेकिन सारे एलिमेंट बी के हटाकर, तो ए इज योर आंसर बी के हटाकर। तो देखिए बी के कौन कौन से हट सकते हैं, 4 हट जाएगा इसमें से, 5 हट जाएगा, तो आंसर इज ए लेकिन बी के एलिमेंट हटाकर। अब बी में 6, 7, 8 है लेकिन ए में तो 6, 7, 8 है ही नहीं, तो वो हट ही नहीं सकते, तो आंसर इज ए बी हटाकर, तो बी के 4 और 5 हट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, 2 और 3। और समझिए, मैं निकालता हूं सी माइनस डी, तो आंसर इज सी लेकिन बी के एलिमेंट हटाकर, तो व्हाट इज आंसर सी, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये डी वाले हटा लीजिए, तो डी क्या हटा सकता है, 7 हटा सकता है और 8 हटा सकता है, तो आंसर क्या हो गया 9 और 10। और देखिए सी माइनस बी, तो इस बार आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, आंसर तो सी होगा लेकिन बी के एलिमेंट हटाकर, तो 4, 5, 6, 7, 8 देखिए कौन सा हट सकता है, 7 और 8 हट जाएगा, कोई देखो हटाने बी वाले हैं। अब आप बोलो कि 4, 5, 6 तो सी में तो 4, 5, 6 है ही नहीं, तो हट ही नहीं सकता, तो आंसर तो अपना सी रहेगा लेकिन बी वाले एलिमेंट हटाकर। अब बी वाले कौन से हटेंगे, 7 और 8 वो हट जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा अगेन 9 और 10। तो ये सारे आप टॉपिक हो गए, इन टॉपिक्स को आप अपनी बुक्स में से अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, मैं और अच्छे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब तीन सेट के बीच में यूनियन निकालना है, लेकिन ध्यान रखिए आप एक बार में दो सेट के बीच में ही पहले यूनियन निकाल सकते हो, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों के बीच में यूनियन निकालना चाहते हो या इन दोनों के बीच में। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इन दोनों के बीच में यूनियन निकाल सकता हूं, आप चाहो तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो। तो पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। अब बी यूनियन सी, तो व्हाट इज बी यूनियन सी, बी और सी के पहले कॉमन एलिमेंट, तो देखिए 7 और 8, तो चलिए मैंने 7 और 8 पहले कॉमन लिख दिया। अब क्या नियम था, जो बच गया बी में सारे लिख दीजिए, जो बच गया सी में सारे लिख दीजिए, तो बी में क्या बचा 4, 5 और 6 और सी में क्या बचा 9 और 10। तो देखिए बी यूनियन सी तो आ गया, अब क्या करना है कि बी यूनियन सी के साथ डी का फिर से यूनियन करना है, मतलब बी यूनियन सी और डी के बीच में पहले कॉमन एलिमेंट। तो देखिए कौन कौन कॉमन है, 4, 5, 6, 7, 8 है यहां पर, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, तो कॉमन कितना आ गया 4, 5, 6, 7, 8 पहले कॉमन। अब जितने बच गए इस पूरे में वो भी लिखने हैं और जो बच गए डी में वो भी लिखने हैं। अब देखो यहां क्या बचा 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आ गए, तो यहां क्या बच गया, यहां 9, 10 बच गया, लेकिन डी में तो कुछ बचा नहीं, ऑलरेडी कॉमन में ही सारे आ चुके थे, तो सॉरी यही आपका अब आंसर है, आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है इसका तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है सी माइनस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब सी माइनस डी के होल कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी माइनस डी पहले निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज सी माइनस डी, आंसर इज सी, मतलब सी के सारे एलिमेंट लिख दो लेकिन डी के हटाकर। तो चलिए सी के सारे एलिमेंट लिखे हैं लेकिन डी वाले हटा लो पहले,
तो कौन कौन से डी में मैच हो रहे हैं, 7 है डी में, 8 है डी में, तो ठीक है 7 और 8 हट गया, हाँ तो आंसर इज 9 एंड 10। तो सी के वो सारे एलिमेंट आ गए अब जो डी के पास नहीं है, ठीक है। अब आगे सी माइनस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से वो पूरा सेट माइनस कर दो जिस पर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। तो यूनिवर्सल माइनस सी माइनस डी, व्हाट इज सी माइनस डी, 9 10। तो यूनिवर्सल में से 9 और 10 माइनस हो जाएंगे, यूनिवर्सल में से 9 10 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 9 और 10 तो माइनस होने हैं, तो आंसर इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, इससे जो डाउट पे उनको क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन डी, ठीक है। तो ए यूनियन डी का मतलब है ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स, जो बच जाए ए में और जो बच जाए डी में सारे लिख देंगे एलिमेंट्स। तो पहले ए और डी में कॉमन, तो ए और डी में कॉमन कौन है, देखिए 4 और 5 कॉमन है। अब कितने बच गए ए में, 1 2 3, और कितने बच गए डी में, 6 7 और 8, ठीक है। अब निकालते हैं बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी का मतलब कि बी और डी के कॉमन एलिमेंट, फिर जो बच जाए डी में और जो बच जाए बी में। अब 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, तो कॉमन एलिमेंट ही सारे आ गए। अब ना डी में कुछ बचा, ना आपको बी में, ना बी में कुछ बचा ना डी में कुछ बचा, तो सही है ये आपका आंसर हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी यूनियन, मतलब ए यूनियन डी यूनियन बी यूनियन डी, कि अब इन दोनों के बीच में पहले कॉमन, तो चलिए पहले कॉमन निकालते हैं, 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, तो चलिए 4 5 6 7 और 8। अब यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1 2 3, यहां कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। अब फाइनल में क्या करना है, ए यूनियन डी यूनियन बी यूनियन डी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस करना है वो सेट जिस पर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहां से, ए यूनियन डी यूनियन बी यूनियन डी, मतलब यूनिवर्सल में से ये पूरा माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस कर दीजिए 8 तक, तो क्या बच गया यहां पर, आपके पास बच गया 9 और 10। तो ये है इन क्वेश्चनों को करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिख दिया है, नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स, मतलब सेट्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम्स बोलते हैं। अब वेन डायग्राम्स का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए, वो बॉक्स क्या डिनोट करेगा, वो बॉक्स डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट, और दो सेट का कॉम्बिनेशन बनाना है तो इस तरह से बनाया जाता है ए और बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन वाइज कैसे था, ए यूनियन बी का मतलब है पहले ए और बी का कॉमन हिस्सा, तो देखिए ए और बी में कॉमन हिस्सा कौन है, ये वाला पार्ट, तो पहले आप कॉमन हिस्से को शेड कर लीजिए, ऐसे लिखते हैं हम जब हम सेट भी लिख रहे होते हैं। अब जो बच गया ए में जो बच गया बी में, तो ए में क्या बच गया, ये वाला हिस्सा, तो ठीक है इसको भी शेड कर दीजिए, और बी में क्या बच गया, ये वाला हिस्सा, तो इसको भी शेड कर दीजिए। ये लीजिए ए यूनियन बी शेड हो गया, फिर समझ लीजिए पहले दोनों का कॉमन हिस्सा शेड करना है, फिर जो बच जाए ए का, जो बच जाए, फिर जो बच जाए ए में और जो बच जाए बी में, दोनों शेड हो जाएंगे। चलिए एक और करके दिखाता हूं, सी यूनियन डी, चलिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर दो सेट का कॉम्बिनेशन सी और डी। अब सी यूनियन डी का मतलब कि पहले सी और डी का कॉमन हिस्सा, तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये दोनों का कॉमन पार्ट है। अब सी में क्या बच गया, ये बात सी में बच गया, शेड कर दिया, और डी में क्या बच गया, ये डी में बच गया, तो ये भी शेड कर दिया, तो ये हो गया सी यूनियन डी। अब देखिए ये तो दो सेट का वेन डायग्राम था, अगर यही तीन का आता तो कैसे बनता, आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम, तो देखिए तरीका बिल्कुल सेम है, ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट, अब क्योंकि तीन सेट है तो तीन सेट का कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह से, तो ए बी और सी, तो नियम अभी भी नहीं चेंज होगा, ए बी सी के यूनियन में पहले तीनों का कॉमन हिस्सा, अब देखिए रहा तीनों का कॉमन हिस्सा कौन है, ए ये वाला तीनों का कॉमन हिस्सा है, शेड कर दिया। अब जो बच गया ए में, जो बच गया बी में, जो बच गया सी में, अब देखना ए में क्या बच गया है, ये सब ए में बचा है, क्या बच गया बी में, ये सब बी में बचा है, क्या बच गया सी में, ये सब सी में बचा है, ये देखिए मतलब पूरा ही शेड होना था,
लेकिन ये कॉमन पार्ट था, फिर बचा हुआ पार्ट जितना था सारा शेड हो गया। अब इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी चीज है। यूनिवर्सल सेट, दो का कॉम्बिनेशन ए और बी। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन वाइज कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी का सिर्फ और सिर्फ कॉमन हिस्सा। तो कॉमन हिस्सा क्या है ए और बी में? ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। ऐसे ही बी यूनियन सी का, ऐसे सी यूनियन डी का। मान लीजिए तीन सेट वाला कॉम्बिनेशन होता तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया कि तीनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन हिस्सा। तो ए बी सी ये तीन सेट हो गए, अब कॉमन हिस्सा तीनों का क्या है? ये वाला पार्ट। तो बस इसे शेड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। पहले अपना रिक्वायरमेंट बॉक्स बनाइए, उसके ऊपर लिखिए यूनिवर्सल सेट और दो कॉम्बिनेशन बनाइए सेट के इस तरह से। अब ए माइनस बी में हमने डेफिनेशन क्या बोला था? आंसर इज ए, बी को हटाकर। लेकिन यहां पर वेन डायग्राम में जो आंसर होता है शेड सिर्फ उतना ही होता है। तो आंसर इज ए लेकिन बी हटाकर, तो बी का कोई भी हिस्सा गलती से भी शेड ना हो जाए आपका। बस ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट इज बी माइनस ए। तो चलिए देखिए वो कैसे बनेगा। सेम, पहले बॉक्स बनाइए, ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाइए, यूनिवर्सल सेट लगाइए। अब बी माइनस ए में आंसर इज बी, ए हटाकर, लेकिन जो आंसर होता है शेडिंग सिर्फ उतना ही होता है। तो ठीक है, सिर्फ बी वाला ही पार्ट आप शेड करना इस तरह से, ए वाला हल्का सा भी पार्ट शेड ना हो जाए। ये लीजिए आंसर हो गया, दैट इज बी माइनस ए। नेक्स्ट देखिए ए कॉम्प्लीमेंट शेड करना है मुझे। अब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपसे बोला था यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है, तो ये यूनिवर्सल सेट रहा और यहां आपके पास ए की सेट ए है। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? आंसर इज यूनिवर्सल सेट ए हटाकर। तो यूनिवर्सल सेट पूरा ही है, उसको आप शेड कर दो लेकिन ए वाला हिस्सा शेड ना हो जाए आपका। तो ये लीजिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। पूरा मैंने शेड किया है यू को लेकिन ए को हटाते हुए, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट शेड हो गया। सेम ऐसे बी के लिए भी होता। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर बेस दो बेस्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी। अब एक शानदार क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको एक साथ बनाना तो थोड़ा टफ है, देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं निकालता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। तो बनना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी क्योंकि आपके पास तीन यहां पर सेट इंक्लूडेड है, तो आपको कॉम्बिनेशन तो तीन सेट का ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शेड सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब पूरा यूनिवर्सल ए हटाकर। तो आप ये समझिए कि बी और सी तो यहां है ही नहीं, तो बस पूरा यूनिवर्सल शेड कर दीजिए, ए वाला पार्ट शेड ना हो जाए आपसे, ए को छोड़ दीजिएगा इसके अंदर, पूरा यूनिवर्सल शेड हो जाना चाहिए। ठीक है, ए हटा दीजिएगा बस। ये लीजिए मैंने ए छोड़ के पूरा यूनिवर्सल शेड कर दिया। तो ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर मुझे बी यूनियन सी शेड करना है, तो बी यूनियन सी शेड करते हैं। देखिए बॉक्स बनाया, क्योंकि तीन सेट का कॉम्बिनेशन है तो बनेगा तो बिल्कुल वैसा ही, यूनिवर्सल लगाना है। व्हाट इज बी यूनियन सी? बी यूनियन सी का मतलब क्या था? बी और सी का कॉमन हिस्सा। आप ये मान लीजिए ए यहां पर है ही नहीं, तो बी और सी का कॉमन हिस्सा तो देखो ये रहा। ठीक है, अब जो बच जाए बी में, अब देखो बी में क्या बच गया, ये बच गया बी में, और जो बच जाए सी में ये रहा सी का पार्ट। आप ए को इसमें देखिएगा मत कि ए आप देख रहे हो कि आपने तो ए का पार्ट भी, ए आपको इसमें देखना ही नहीं है। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी शेड हो गया, बी यूनियन सी भी शेड हो गया, अब क्या कर रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब दोनों शेडिंग का कॉमन पार्ट। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो देखिए जो दोनों शेडिंग आपने की है उसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट ही आप शेड करेंगे इस बार, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो दोनों शेडिंग में कौन सा ऐसा पार्ट है जो शेडेड है? तो देखो मैं जो शेड कर रहा हूं वो पार्ट वो है जो दोनों शेडिंग में आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा ऐसा है, ये वाला पार्ट यहां शेड नहीं है, यहां शेड है तो मैं लिख नहीं सकता। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों शेडिंग का कॉमन पार्ट। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फिर इसका दूसरा शानदार क्वेश्चन लिख दिया है, बात वही है, तीन का कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस बी।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन इंक्लूड हमें तीनों सेट करने पड़ेंगे। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट में आप बी और सी ये मान लीजिए कि है ही नहीं आपके पास, ऐसे मान के चलिएगा उसको, ठीक है। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में आंसर इज यूनिवर्सल सेट ए हटाकर, तो बस ए शेड ना हो जाए और सबको आपको शेड करना है। जो आप डेफिनेशन बोल रहे हो उसी हिसाब से चलिए, गलती होने का चांस ही नहीं है। ये लीजिए, हो गया ए कॉम्प्लीमेंट शेड आपका, ठीक है। इसमें देखो ए छूटा हुआ है पूरा, और पूरा का पूरा यूनिवर्सल शेड हो गया है। नाउ व्हाट इज सी माइनस, डायग्राम तो बिल्कुल सेम बनेगा तीन का कॉम्बिनेशन, बस आपको ध्यान इस चीज पर रखना है सी माइनस बी में आपको ए इंक्लूड ही नहीं करना। तो सी माइनस बी में आंसर इज व्हाट, आंसर तो सी है, बी हटाकर तो हम शेड उसे करते हैं जो हमारा आंसर होता है। तो पूरा सी शेड कर दीजिए बी को हटाते हुए, और ये मान लीजिएगा कि ए आपके पास है ही नहीं, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा सी शेड हो गया, बी वाला पूरा पोर्शन हटा दिया। अब दोनों का क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा फाइनल आपके पास, पहले तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते ए बी सी यूनिवर्सल, और आपको चाहिए इन दोनों शेडिंग का कॉमन पार्ट। तो देखिए इन दोनों शेडिंग कॉमन पार्ट क्या ये है हमारे पास, ये देखिए दोनों शेडिंग में कॉमन पार्ट सी वही है जो मैंने यहां शेड किया है। तो ये सबसे बेस्ट दो क्वेश्चन थे, जिनको वेन डायग्राम समझ में आ गए उन्हें दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए थे। अगर नहीं भी आए तो और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।